नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूँ आपके लिए करंट अफेयर के टॉप 10 क्वेश्चंस। तो आज हम 10 अप्रैल 2023 के टॉप 10 क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। ये जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए बनाए जाते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्पफुल और आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हों। तो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पीएम मोदी ने 8 अप्रैल 2023 को निम्नलिखित में से किस राज्य में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बच्चों, पीएम मोदी ने 11,300 करोड़ के कितने ने कहां पर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना में उद्घाटन किया है। इसको जरा देखते हैं कब। तो 8 अप्रैल 2023 को तेलंगाना में 11,300 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया है। उन्होंने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन को हैदराबाद से तिरुपति पहुंचने में करीब 8 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए आधारशिला भी रखी है। यानी हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला है उसका आंसर क्या है बच्चों? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगन्नाथ महतो को 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? हाल ही में निधन हुआ है एक हमारे शिक्षा मंत्री का, जिनका नाम था जगन्नाथ महतो। देखते हैं ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड या डी पंजाब। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर होगा झारखंड। कहाँ के शिक्षा मंत्री थे बच्चों? झारखंड के थे। देखते हैं क्या है। जगन्नाथ महतो को 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6 अप्रैल को चेन्नई में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ। वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य और वर्तमान झारखंड विधानसभा में डुमरी निर्वाचन क्षेत्र के विधानसभा प्रतिनिधि थे। डुमरी निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने विधानसभा चुनाव में 4 बार जीत हासिल की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA पर बातचीत शुरू करने के लिए निम्नलिखित से किन देशों ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो देखते हैं क्या है। UAE और इसराइल ने, UAE और इंडोनेशिया ने, UAE और वियतनाम ने, UAE और तुर्की ने। तो बच्चों, किन देशों ने संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन किए हैं? तो वो है UAE और वियतनाम। देखते हैं इसमें क्या है। UAE और वियतनाम ने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक समझौते कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करने के लिए एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। CEPA वार्ता का उद्देश्य आर्थिक और व्यापार साझेदारी को मजबूत करना है। UAE वर्तमान में अरब देशों में वियतनाम का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दूसरा, UAE विदेश व्यापार राज्य मंत्री ने वियतनामी निजी क्षेत्र से UAE के नेक्स्ट JNFDI पहल से लाभ लेने का आग्रह किया है। नेक्स्ट JNFDI पहल प्रतिभागियों को प्रोत्साहन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जिसमें स्थानांतरण समर्थन और बैंक वित्त पोषण का आसान पहुंच और वाणिज्यिक और आवासीय किराए को प्रोत्साहन शामिल है। ठीक है बच्चों, तो किसके बीच समझौता हुआ है? UAE और वियतनाम के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लीगो इंडिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन देखते हैं, लीगो इंडिया इटली के वार्गो और जापान के कागरा के बाद पांचवा डिक्टेटर होगा। लीगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है, तो इसमें से आपको कौन से दो कूट सही हैं वो बताने हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो बच्चों, लीगो इंडिया इटली के वर्गो और जापान के कागरा के बाद पांचवा डिक्टेटर है, ये बात भी सही है, और लीगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला सही को वाला है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से महाराष्ट्र में एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डायरेक्ट डिक्टेटर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। लीगो इंडिया 2030 से अपना वैज्ञानिक संचालन शुरू करने वाला है। लीगो इंडिया इटली के वर्गों और जापान के कागरा के बाद पांचवा डिक्टेटर होगा। इसे अमेरिका में लुइसियाना और वॉशिंगटन में लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO के सटीक विनिर्देशों के साथ बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका पॉइंट देखें, वो लीगो इंडिया परियोजना भारतीय अनुसंधान संस्थानों के एक संघ और अमरीकी वेधशालाओं और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच एक सहयोग है। इस परियोजना को 2016 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। यानी आप समझ गए होंगे, दोनों ऑप्शन पूर्णतः सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई प्रोक्योरमेंट को लागू करने मैं उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? ई प्रोक्योरमेंट लागू करने वाले उत्तर पूर्व के राज्यों में देखते हैं, ऑप्शन मणिपुर, ए ऑप्शन में बी नागालैंड, सी ऑप्शन में त्रिपुरा और डी ऑप्शन में असम। तो ई प्रोक्योरमेंट लागू करने में सबसे अच्छा राज्य है आपका त्रिपुरा, यानी सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिपुरा ने ई प्रोक्योरमेंट में एक राष्ट्रीय कार्यशाला में यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ई प्रोक्योरमेंट में एक राष्ट्रीय कार्यशाला वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई है। त्रिपुरा सरकार को पिछले 5 वर्षों में विभिन्न विभागों में उनके काम के लिए मान्यता मिली है। त्रिपुरा सरकार को यह पुरस्कार बिजली विभाग की सौभाग्य योजना के तहत तय समय सीमा में पूरा करने के लिए मिला है। त्रिपुरा को कृषि पंचायत स्वरोजगार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का भी खिताब दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ई प्रोक्योरमेंट लागू करने में उत्तर पूर्व के राज्यों में त्रिपुरा का पहला स्थान है, यानी हमारा आंसर क्या हुआ, त्रिपुरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। देखते हैं, ऑप्शन स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो इसका आंसर बच्चों, 200वीं जयंती स्वामी दयानंद सरस्वती का उद्घाटन किया गया है। देखें जरा, जगदीप धनखड़ संचार राज्य मंत्री, देवू सिंह चौहान सांसद, डॉक्टर सतपाल सिंह और सुमेधानंदन सरस्वती की उपस्थिति में स्वामी दयानंद सरस्वती पर एक डाक टिकट जारी भी किया गया है। इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म पर बात करें तो 12 फरवरी 1824 को गुजरात में हुआ था और उनका असली नाम मूल शंकर था। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो और वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत हैं। उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर जोर दिया। यह जाति व्यवस्था, मूर्ति पूजा और अस्पृश्यता के खिलाफ थे। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं की शिक्षा के लिए
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना भी की थी। यानी उपराष्ट्रपति धनखड़ ने किसके नाम का टिकट जारी किया, तो स्वामी दयानंद के टिकट जारी किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ए रणिंदर सिंह, बी राजेश कुमार, सी कलिकेश सिंह देव या डी हरि कुमार सिंह। तो राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में कलिकेश सिंह देव ने पदभार ग्रहण किया है। जरा देखते हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष बने। उन्होंने रणिंदर सिंह का स्थान लिया है जो NRAI के अध्यक्ष के रूप में 12 साल से अधिक समय तक सेवा करने के बाद छुट्टी पर चले गए। अगला, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI की स्थापना 1951 में भारत में शूटिंग खेलों को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए की गई थी। श्री जीवी मावलंकर और NRAI की संस्थापक और पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? श्री जीवी मावलंकर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, RBI ने क्रेडिट की अनुमति देने के लिए किसके डिजिटल भुगतान प्रणाली के विस्तार का प्रस्ताव दिया है? देखें ऑप्शन ए क्रेडिट कार्ड, बी डेबिट कार्ड, सी UPI या डी पे लेटर। तो किसकी अनुमति दी है? तो UPI की अनुमति दी है। नेक्स्ट देखें, इसमें भारतीय रिजर्व बैंक ने पूर्व अनुमोदित बैंक लाइनों के माध्यम से क्रेडिट की पेशकश की अनुमति देकर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस डिजिटल भुगतान प्रणाली की पहुंच का विस्तार किया है। बैंकों से पूर्व अनुमोदन क्रेडिट कार्ड लाइन वाले व्यक्ति एकीकृत भुगतान इंटरफेस पर भुगतान करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम होंगे। UPI खाते अब क्रेडिट कार्ड का विकल्प पेश कर सकते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए क्रेडिट कार्ड को भी UPI से लिंक करने की अनुमति दे दी है। इसने ग्राहकों को अपने क्रेडिट कार्ड से लिंक करने को सक्षम बनाया है। मार्च 2023 में UPI के माध्यम से 14.05 ट्रिलियन रुपए के 8.65 बिलियन के लेन देन को दर्ज किया गया है। यह UPI के शुरू किए जाने के बाद अब तक का सबसे अधिक लेन देन है। ठीक है बच्चों, तो RBI ने क्रेडिट की अनुमति देने के लिए UPI का भी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया है। ए अमिताभ कांत समिति, बी NK सिंह समिति, सी TV सोमनाथन समिति या डी अरविंद सुब्रमण्यम समिति। तो भारत सरकार ने किस समिति का गठन किया है? तो वो है TV सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने 6 अप्रैल को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए वित्त सचिव TV सोमनाथन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कार्मिक प्रशिक्षण विभाग DOPT के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन समिति के सदस्य हैं। यानी कितने सदस्यीय समिति है? 4 सदस्यीय समिति है। समिति सुझाव देगी क्या सरकारी कर्मचारी पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में कोई बदलाव जरूरी है। दूसरा, समिति राजकोषीय निहितार्थों और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए NPS के तहत शामिल सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार की दृष्टि से इसे संशोधित करने का सुझाव देगी। तो बच्चों, क्या है ये? TVS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जरा और देखते हैं, यह घोषणा
जरा देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसी का आगे है। यह घोषणा की गई कई गैर भाजपाई राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना OPS को बहाल करने और कुछ नए राज्य कर्मचारियों को द्वारा इसकी मांग करने की पृष्ठभूमि के लिए की गई है। छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र को सूचित करते हुए NPS के तहत संचित कोष को वापस करने का अनुरोध किया है। OPS के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम आहरित वेतन का 50% प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका OPS से संबंधित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस केंद्र मंत्रालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को विनियमित करने के लिए IT नियम 2021 में संशोधन किया है? ठीक है, किसने किया है जरा इसे देखते हैं। युवा खेल मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या डी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो किसने किया है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। देखते हैं इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को विनियमित करने के लिए IT नियम 2021 में संशोधन किया है। IT मंत्रालय ने मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों द्वारा इस तरह के विज्ञापनों को प्रकाशित करने के हालिया उदाहरणों पर आपत्ति जताई और गैर अनुपालन के लिए कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। IT नियमों के में MEITY के संशोधन के लिए यह निर्धारित करने की खेल अनुमत है या नहीं एक स्व नियामक निकाय SRB के साथ पंजीकरण करने के लिए वास्तविक धन वेव गेमिंग प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। जल्द ही 3 SRB को मान्यता दी जाएगी। जिन खेलों को अनुमति नहीं मिलेगी उन्हें संशोधन के तहत सुरक्षा नहीं मिल सकती है और जुआ या सट्टेबाजी के मंच होने के कारण राज्य उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने ऐसी संशोधन की जारी किया है। तो ये है आज यानी 10 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर, जिसके टॉप 10 क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कस किया। बच्चों, इन क्वेश्चनों के जो एक्सप्लेनेशन तैयार किए जाते हैं वो आपके आगामी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए किए जाते हैं, जिससे आपको स्टेट PCS और UPSC में सहायता मिल सके। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसका बेल आइकॉन का बटन दबाइए, जिससे आने वाले समय में आपको हमारे चैनल द्वारा प्रस्तुत किए गए सारे वीडियो का लिंक मिल सके। इसके अलावा इसका PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सीधे टेलीग्राम में जाकर ऑफिशियल एग्जामोफोबिया नाम से चैनल को सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत।